नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो पिक्सल में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि अल्टो गाड़ी जो है वो हर जगह या फिर कहीं भी चढ़ जाती है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वो कई बार स्नो में नहीं चढ़ पाती या फिर पहाड़ी एरिया कुछ ऐसा होता है जहाँ पर अल्टो फटाफट से निकल जाती है, और जो बड़ी गाड़ी है वो कई बार फंस जाती है। मड में होता है, स्नो में होता है, या काफ़ी ऐसी सारे ट्रेन से जहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ पाती। तो क्या कारण है इसके पीछे और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और अल्टो गाड़ी इतनी ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर लोग बहुत चलाते हैं इसको। तो देखिए, कुछ कारण है इसके पीछे जो कि आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मुझे बनाने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मसूरी घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ ऐसी थी जो फटाफट से चढ़ जा रही थी, और वो सारी गाड़ी CNG भी थी। और जो भी मैंने वहाँ पर जाकर नोटिस किया वो यही था कि वहाँ पर सारी गाड़ी जो थी वो अल्टो थी। तो ऐसा क्या है अल्टो में, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है और जो हम सब जानते हैं कि अल्टो एक छोटी गाड़ी है, और पहाड़ी एरिया में लोग उसको ज़्यादा लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अल्टो जो गाड़ी है वो एक छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, और सबसे बड़ी बात है एक काफ़ी हल्की गाड़ी है। तो हल्की गाड़ी जो होती है वो पहाड़ पर बहुत आसानी से चढ़ जाती है, और जो भारी गाड़ी है उसको थोड़ा कई बार टाइम लगता है, वो वेट भी ज़्यादा लेती है। वेट लेने के साथ साथ जो फ्यूल होता है, फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहला पॉइंट तो ये होता है, और पहाड़ी लोग ज़्यादातर अल्टो को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अल्टो जो होती है कई बार पहाड़ों पर रास्ते इतने नैरो होते हैं कि वहाँ पर बड़ी गाड़ी को लेकर जाना पॉसिबल ही नहीं है। सपोज़ कीजिए आप गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और सामने से कोई एक गाड़ी और आ गई, तो वहाँ पर गाड़ी को निकलने में कई बार मुश्किल होती है। कुछ पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही नैरो हैं, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आती है अल्टो। और अल्टो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी हिमाचल में, शिमला में। अल्टो का जो इंजन है वो काफ़ी हल्का है बाकी गाड़ियों से, होता सभी गाड़ी के अंदर करीब करीब 1200 cc का, लेकिन जो अल्टो गाड़ी है उसके अंदर जो इंजन आता है वो आता है करीब करीब 750 cc के आसपास का। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो इंजन काफ़ी छोटा है, गाड़ी की जो डायमेंशन है यानी जो उसका साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए गाड़ी हर तरह से वेट में हल्की है। तो अल्टो गाड़ी जो है वो बड़े आसानी से कहीं पर भी चढ़ जाती है, और हिमाचल और शिमला जैसे एरियों में जो कि ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर आपको ज़्यादातर टैक्सी के अंदर अल्टो ही आपको चलती हुई दिखाई देगी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो अल्टो गाड़ी है, एक तो वो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है बहुत ज़्यादा, और पहाड़ों पर वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा जो फिगर होती है वो होती है एवरेज की फिगर, कि हमें सबसे ज़्यादा एवरेज ज़्यादा चाहिए, और एवरेज भी उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। गाड़ी किसी भी रास्ते पर चढ़ जाती है, आप उसको लेह लद्दाख ले जाइए, आप उसको शिमला ले जाइए, आप उसको मनाली ले जाइए, आप उसको किसी भी रास्ते पर आप ले जाइए, तो गाड़ी कभी मना नहीं करेगी जाने के लिए। और यही कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से हिमाचल के लोग या फिर पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के लोग सबसे ज़्यादा अल्टो को पसंद करते हैं, और यही एक कारण है कि जिससे अल्टो गाड़ी बड़ी ही आसानी से किसी भी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ इसी चीज़ को लेकर। एक हमारे फ्रेंड थे जो कि शिमला में रहते हैं, और वहाँ पर वो लोग होटल्स का जो है वो बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को गाड़ी ख़रीदनी थी, गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो कि उनके फ्यूल एफिशिएंट रहे, उनके जो गेस्ट होते हैं उनको लेकर आने जाने के लिए भी काफ़ी अच्छे रहे। तो उन लोगों ने सबसे पहले स्विफ्ट डिज़ायर का प्लान बनाया, बट उसको छोड़कर उन लोगों ने अल्टो ले ली। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अल्टो क्यों लिया, तो उन्होंने यही बताया कि तो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है सबसे पहला, दूसरा गाड़ी कहीं पर भी चली जाती है, और तीसरा कई बार क्या होता है कि जो गेस्ट होते हैं फिर जो पैसेंजर होते हैं वो ऐसी ऐसी जगह पर जाने के लिए बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, तो उस लिहाज से अल्टो सबसे बेस्ट है। ये देखिए, मैं आपसे अभी अल्टो के बारे में बात कर रहा हूँ, और सामने देखिए मेरे सामने एक अल्टो चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि टायर बड़े अजीब से लगवाए हैं उन्होंने। और ये किसी एडवोकेट की गाड़ी है, और आपके सामने ये देखिए ये गाड़ी चल रही है, तो टायर देखिए इसके अंदर कितने भयंकर लगवाए हैं इन लोगों ने। जो लोग अल्टो खरीदते हैं इसलिए कि हमें इसके लिए फ्यूल ज़्यादा अच्छा चाहिए, और इसके अंदर ये देखिए फ्यूल बिल्कुल, इस गाड़ी के अंदर फ्यूल तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा क्योंकि इसके आप टायर देखिए। वहीं अगर हम देखिए जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उसके अंदर जो बाकी गाड़ियाँ हैं, देखिए गाड़ी सारी चढ़ जाती हैं पहाड़ पर, और गाड़ी चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, सिर्फ अल्टो ही चढ़ पाएगी। लेकिन अल्टो पहली पसंद लोगों की क्यों है वो मैं आपको ये बता रहा था। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि
स्कॉर्पियो हो गई हमारी एक्सयूवी 700 है, आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि वो चढ़ जाती है, लेकिन चढ़ते हुए कई बार लैग कर जाती है, और जहाँ पर हल्का सा मैडी एरिया या फिर कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर कि स्नो है तो वहाँ पर कई बार गाड़ी नहीं चल पाती और वहाँ पर टायर फिसलने लगते हैं। इवन जो थार है 4x4 कई बार वो भी फेल हो जाती है, लेकिन हम क्या देखते हैं साइड से कि लॉर्ड एल्टो आ रही है और वो चल रही है, और इसलिए लोगों ने उसका नाम लॉर्ड एल्टो रखा हुआ है। तो जो कारण है वो उसके पीछे वही है कि गाड़ी काफ़ी हल्की है सबसे पहली, दूसरी बात है अगर उसके अंदर 4 या 5 लोग बैठ भी जाए तो भी गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात है टायर उसके छोटे होते हैं तो बड़े आसानी से निकल जाती है। अल्टो के लिए जो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है वो होती है थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि कई बार अल्टो जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस उसका थोड़ा कम है बाकी गाड़ियों से, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा सफ़र कर जाती है। बट जो काफ़ी सारे ऐसे पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ पर अल्टो को ही ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, तो उसका रीज़न वही है कि गाड़ी बड़ी हल्की है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और इंजन कम है उसका, तो गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है, और गाड़ी का खुद का वेट देखें तो मेरे ख्याल से शायद 700 केजी के आसपास होगा, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा उसका कितना वेट है। तो ये कारण होता है। अब जैसे मैं एलाइट i20 चला रहा हूँ तो इसका वेट करीब करीब 1100 केजी है, तो हालांकि ये बोला जाता है कि जिस गाड़ी का वेट ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा अच्छा रोड से चिपक के चलेगी, लेकिन पहाड़ों के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यही कुछ कारण थे कि अल्टो को पहाड़ों की रानी क्यों बोला जाता है, यही कारण है कि अल्टो को पहाड़ों की रानी इसलिए बोला जाता है। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।